वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब आई होप सब फैसले से होंगे फिट पाँच मज़े में होंगे अच्छा स्टार्ट कर आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी मेरी सास जो है ना अपनी कैसा सलूक करती है मतलब तो बहुत ही मज़े की वीडियो आने वाली है उससे पहले जी आप लोगों को दिखाऊं कि आजकल वीडियो भी एडिटिंग करती हूँ या जो भी फारिग टाइम मिलता है तो हम लोग कहाँ बैठते हैं वो है जी ये वाली मखसूस जगह हीटर के बिल्कुल आगे मतलब इतनी को ठंड हो रही है ना कि कमरे से बाहर जाने का दिल ही नहीं करता जो फ़ारिग टाइम होता है ना हम लोग यहाँ पर काम ख़त्म करने के बाद जैने यहाँ आ जाते हैं अभी काम से हम सारा डन हो गया था सफाइयाँ वगैरह खत्म हो गई थी नाश्ते से फारिग हो गए थे तो अभी साढ़े चार हो चुके हैं तो मैं वीडियो एडिट करने लगी थी तो हीटर से ला लिया तो बस हीटर के आ गई धूप में भी नहीं जाया जाता क्योंकि इतनी यक ठंडी हवा चलती है कि धूप का कोई मज़ा ही नहीं आता तो इसलिए अभी हम लोग सब नए यहीं पर बैठे हुए हैं तो मैं वीडियो आप लोगों के लिए एडिट कर रही तो जल्दी से आप लोगों ने पूरी वीडियो देखने बगैर स्किप किए और चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने और शेयर भी करनी है वीडियो चलते हैं जी आज के ब्लॉग की तरफ जल्दी जल्दी ले आओ बाजरा जल्दी करो तो चुके ना मुझे भूख लगी है मामा लाओ मामा डाल दे साफ़ सुथरा हो गया पानी भी मैंने साफ अंदर डाल दिया है तो बस इनको खाना डालते फिर देखा कितना खुश होंगे मेरा कहती मैं डालूंगी इसको उठाती हूँ फिर रखती है अंदर और यहाँ पर सुबह सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले करती हूँ इनका पिंजरा साफ़ और जब से यूसफ गया ना ये ड्यूटी लग गई है मेरी पहले जब अब्बू ठीक थे वो कर दिया करते थे और सुबह उठते सार हम लोग का जो पहला काम होता वो है हफ्ता है इनके पिंजरे की सफ़ाई करना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोगों ने भी घर में कोई जानवर वगैरह रखे हुए हो तो आप सुबह उठते सार सबसे पहले उनको ज़रूर देखा करें और जो आजकल जितनी ठंड है इनका बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अच्छा उसके बाद मैं इनको दाना शाना डालती हूँ और अभी इनका जो है ना मैं दाने वाला बर्तन है ना वो वगैरह सारा कुछ साफ करूँगी और जो गंदा दाना इनका रात का पड़ा हुआ होता है ना वो फिर सुबह नहीं खाते वो मैं गिरा कर इसमें नया बाजरा डाल देती हूँ और इन लोगों इन जो है ना लोग कह रही हूँ सॉरी इन तोतों को जो है ना सिर्फ़ बाजरा ही डालते हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं डालते और आजकल जैसे मौसम है पानी भी नीम गरम डालना चाहिए लेकिन खैर कभी कभी मैं नीम गर्म डाल देती हूँ कभी कभी ऐसे ही और यहाँ पर मैं अब इसकी अच्छे से सफाई कर रही करी और सफाई मैं इसी तरह करती हूँ कि झाड़ू लगा देती हूँ इसके ऊपर से सा सारा गंद वगैरह गिर जाए और कभी कभार ऐसे भी करती हूँ थोड़ा सा पानी गिरा कर छोड़ देती हूँ फिर उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ तो अच्छे से साफ हो जाता है फिर ड्राई करके रख देती हूँ लेकिन आजकल ठंड इतनी है तो मैं गीला नहीं कर रही लोहा वैसे बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है इतना जो है ना मतलब ठंडा ठंडा फिर उन्होंने उसके ऊपर बैठना भी होता है सारा कुछ करना होता है यहाँ पर मेरा मुसलसल तंग करती है कि मैं इनको करूँगी मैं इनको दाना दूँगी मतलब एक जानवर रखा होना उसके साथ बेहद लगाव हो जाता है आप लोगों ने अगर कोई जानवर रखा हो तो आजकल उसकी बहुत ज़्यादा केयर करें मुझे वैसे सबने ने कहा था कि इनको उड़ा दो बाहर उनको उड़ा दो आप लोगों के घर में सख्ती है तो चलो वो दूर हो जाएगी मतलब अब इतना ज़्यादा बीमार है लेकिन मैंने नहीं उड़ाया पर वो इसलिए लेकिन मैंने इनको इसलिए नहीं उड़ाया क्योंकि आप इतनी ठंड है इतनी ठंड है इतनी धुंध होती है कि बेचारे अगर उड़ के बाहर कहीं जाएंगे भी तो वो सर्दी से ठटर के मर जाएंगे तो इसलिए मैंने कहा अभी तो नहीं उड़ाऊंगी अभी रखूँगी खैर अब इनको खाना छाना हो गया उसके बाद जी ये मैं आजकल पानी यूज़ कर रही हूँ डाइट डाइटिंग वगैरह तो नहीं कर सकती लेकिन खैर ये ना फैट को लूज़ करने के लिए ना ये मैं आजकल ड्रिंक यूज़ कर रही हूँ और ये इतना को कोई गंदा है इतना को कोई गंदा है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं इसको कैसे पीती हूँ ये पूरे एक गिलास में पीना होता है लेकिन मैं आधे गिलास में बहुत मुश्किल पीती हूँ बहुत ही ज़्यादा ये गंदा है इसका टेस्ट इतना गंदा और ये सुबह खाली पेट आपको पीना होता है दिन में दो दफ़ा पीना था लेकिन मैं एक ही दफ़ा पीती हूँ उसके बाद जी अम्मी यहाँ पर मेरे लिए नाश्ता बना रही थी मतलब यार मुझे समझ नहीं आती वो लोग जो कहते हैं हमारी सास ऐसी हैं हमारी सास वैसी हैं अलहदुल्ला मेरी सास बहुत ज़्यादा अच्छी हैं मेरे साथ और मेरा प्रॉपर साथ देती हैं मैं जब तक सुबह बाहर नहीं आ जाती चाहे मैं एक बजे आऊँ चाहे मैं बारह बजे आऊँ चाहे मैं जो है ग्यारह बजे आ जाऊँ मैं आती हूँ तो फिर अम्मी मेरे साथ नाश्ता करती हैं और आजकल पुप्पो भी आई हुई हैं तो यहाँ पर अम्मी मेरे लिए पराठा बना रही थी और साग बनाया हुआ था स्पेशल नाश्ता और मतलब ना रात की रोटी भी अम्मी बनाती हैं और आजकल सुबह का नाश्ता भी अम्मी बना के दे रही हैं वैसे मैं सुबह अपना नाश्ता खुद बना लेती थी जब यूसफ होते थे मैं और यूसफ और अबू ठीक होते थे तो अम्मी अबू अपना अलग नाश्ता कर लेते थे लेकिन खैर अब अबू बीमार हैं अबू कोई ख़ास नाश्ता करते ही नहीं है सिर्फ सागुदाना थोड़ा बहुत ले लेते हैं या फिर थोड़ा बहुत तो जो है ना चाय का एक आध सिप ले लेते हैं तो इसलिए फिर अम्मी मेरे साथ नाश्ता करती हैं और अम्मी इतने मज़ेदार पराठे बनाती हैं इतने मज़ेदार पराठे बनाती हैं अभी आप लोगों को पराठे की शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़ेदार जो है ना वो पराठे लग रहे हैं तो यहाँ पर मेरा पराठा रेडी हो चुका था और साथ ही मैंने अपने लिए चाय रख ली अम्मी जितनी देर में पराठा बनाती है मैं चाय जो है ना वो रख लेती हूँ चाय वगैरह पी लेती हूँ और अम्मी ने क्या किया जी अम्मी सुबह चाय पी लेते हैं अबू के साथ तो फिर नाश्ता जो है ना खाना पराठा वगैरह वो मेरे साथ ही खाते हैं मेरा इंतज़ार करते हैं अभी हम सब लोग जो है ना वो नाश्ता करने लगे हैं साग रात को बनाया था उसको अभी मैंने दोबारा से फ्रेश किया उसको तड़का शड़का लगाया मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है यार साग और साग अपना पराठा और अगर रात का खाना है तो साग के साथ देसी घी की चौपड़ के रोटी बहुत ही ज़्यादा मजे की लगती है मतलब बेहद मज़े की और सर्दियों में तो ये फेवरेट वाला है और सभी का फेवरेट होगा उसके बाद बना रही थी ख्याल नहीं करती हिनापी किन्नो लाइनी थी आज तीन दिन से और मुझे टाइम ही नहीं मिलता था खाने का तो अम्मी मेरे लिए क्या करिए जूस निकाले बिल्कुल प्योर और फ्रेश जूस और अम्मी आज मेरे लिए बना के मतलब मेरी सास ना इतना मेरा ख्याल करती है ना पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं सास अच्छी नहीं होती और बच्चे मेरे बीमार हैं हर वक्त की खांसी इनको लगी हुई है और माँ इनकी खट्टी <laughs> <laughs> जूस दे रही हैं खराब इनके लिए हम ये सब तो नहीं छोड़ सकते देखो बिल्कुल प्योर फ्रेश जूस अम्मी बना के दे रही विदाउट पानी मिक्सचर कोई मिक्स नहीं कर रही अभी बस मैं जूस पीऊँगी कमेंट्स में बताना किस किस की सासें इस तरह करती हैं और कौन किन किन के हाँ ये बात सही है कि वाकई सासें जालिम होती हैं और वो ख़्याल नहीं करते वैसे मेरी सास तो बिल्कुल ऐसी नहीं है अलहमद और यहाँ पर जो जूस रेडी हो चुका था तो अम्मी ने ख़ुद नहीं पिया अम्मी कहती मैंने नहीं पीना तुम पी लो तो खैर मुझे ही सिर्फ बना कर दिया अम्मी को वैसे किन्नू बहुत अच्छे लगते हैं अम्मी सिर्फ़ किन्नू खा लेते हैं लेकिन मुझे ना मुझसे इतने किन्नू खाए नहीं जाते पता नहीं क्यों लेकिन खैर जूस अच्छे से पिया जाता लेकिन किन्नुनी नहीं खाए जाते फिर यहाँ पर मैं जूस पी रही थी, थी और बहुत ही मज़े का बना यार बहुत ज़्यादा मज़े का और उसके बाद फिर चाय बनानी थी जो चाय में आप लोगों को पता है चाय खाली नहीं पीती तो ये पफ़ वगैरह आए हुए थे दो चार दिन से लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था कि पफ खा नहीं तो आज फिर जी अगेन वही पफ पड़े हुए थे एक दो बस एक आधी रह गया था तो मैंने कहा चलो आज भी खा के इसको खत्म करती हूँ इसको फिनिश करती हूँ तो बस अभी चाय पीने लगी हूँ और उसके बाद जी, फिर किचन में जाऊंगी खाना और आजकल ना इतना आया गया मतलब है ना इतने मेहमान आ रहे हैं इतने मेहमान आ रहे हैं कि कोई भी वीकेंड और इसके बाद फ्राइडे मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे ये तीन दिन तो बस मुझे ये होता है अभी भी कोई आया अभी भी कोई आया अभी भी और नेबर्स भी इतना आ रहे हैं पता शता करने अबू का तो इसलिए बस फिर उसके बाद जी मैंने खाना बना लिया जल्दी जल्दी में मेहमान आए थे तो बस फिर मैंने फटाफट चिकन कढ़ाई बनाई फिर उसकी क्या मैं रेसिपी वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि आप लोगों को पता सब लोग मसरूफ़ थे तो बस मैंने फिर लास्ट पर ना आप लोगों के लिए छोटा सा सीन रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप लोग देख Okay. तो ये थी मेरी चिकन तो आज का हो लोग आप लोगों लोग को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके अलावा जो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को किस तरह का लगी मेरी हांडी और मेरा व्लॉग और उसके बाद जिजूस सब कुछ आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है और अगर आप लोग डाइट को फॉलो करना चाहते हैं और स्मार्टनेस के लिए वो ड्रिंक का पूछना हैं मतलब जानना चाहते हैं कि वो ड्रिंक कौन सी है और मैं कैब से यूज़ कर रही हूँ और इसके क्या फ़ायदा हैं तो कमेंट्स में बताएगा इन शाला नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को इस पर इसी से रिलेटेड मिलेगी फिर मिलते हैं इन शाला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाते हैं हाफिज़